हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी केयर एंड स्पा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप अपने हेयर फॉल के कंट्रोल के साथ साथ आप अपने हेयर का ग्रोथ और लेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको होम रेमेडी शेयर किया था, उसी तरीके से इस बार भी मैं आपको होम रेमेडी ही बताने वाली हूँ। और गाइज, अभी तक मैंने जितने भी आपसे वीडियो शेयर किए हैं, सब मैंने पहले खुद पे ट्राई किया है, उसके बाद ही आपको मैंने अच्छा रिजल्ट आने के बाद शेयर किया है। तो आपको ऐसे काफी वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही मैंने भी ये वीडियो बनाया है, बट मैंने पहले खुद पे ट्राई किया है। तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर ये टिप्स ट्राई कीजिए, क्योंकि वैसे भी जब हमारे हेयर फॉल चालू होते हैं तो हम काफी महंगे महंगे शैम्पू, ऑयल, ये सब यूज कर करके ट्राई करते हैं, लाइक किसी से तो हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। तो एक बार होम रेमेडी ट्राई करके देख लीजिए, शायद आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाए या फिर कंट्रोल में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं होम रेमेडी की तरफ। होम रेमेडी में मैंने यूज किया है कांदा, कांदे का रस। कांदे के रस से आप अपना हेयर फॉल स्टॉप कर सकते हो। तो मैंने बाजू में एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैंने कांदे को मिक्सर में पीस के फिर उसका रस निकाल के लिया है। तो उसी तरीके से आपको भी करना है। मैंने वीडियो में आपको एक ही कांदा दिखाया है, एक्चुअली मैंने दो कांदा यूज किया है। तो आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंगली कांदे का रस लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट बालों में मसाज करके लेना है स्काल्प पे अच्छे से, फिर उसे रात भर के लिए छोड़ देना है वैसे ही। और हाँ, लगाने के बाद आपको कोम नहीं करना है हेयर पे। आप लगाने से पहले हेयर में कोम कर लीजिए। और अगर आपको स्मेल का प्रॉब्लम है, क्योंकि कांदे का जो जूस होता है उसका स्मेल काफी स्ट्रांग होता है, तो कभी कभी पूरी रात तक उसे रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है उसके स्मेल के वजह से, आपको हेडेक हो रहा है, फिर आपको उसका स्मेल नहीं जम रहा है, तो आप हेयर वॉश के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि आप पूरी रात रखने के लिए। जब मैं लगाती थी तो मैंने पूरी रात ही रखा था अच्छे रिजल्ट के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करना कि आप पूरी रात रखना। गाइस, वीडियो साइड में चलता रहेगा, उसके साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ। जैसे कि कांदे के रस में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। और आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि कांदे में सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है, तो सल्फर ज्यादा मात्रा में होने की वजह से आपके हेयर को ये प्रॉपर तरीके से रिपेयर करता है, आपके हेयर की वॉल्यूम बढ़ती है, जिससे इवन आप अगर प्रॉपरली इसे यूज कर रहे हैं, आपको वीक में 2 बार तो यूज करना है इसे। वीक में 2 बार अगर आप यूज कर रहे हैं प्रॉपरली, आप 1 मंथ या फिर आपको जैसा लगे आप यूज कर रहे हैं, तो आपका हेयर का आप देखेंगे लेंथ में भी फर्क आएगा, आपके हेयर का लेंथ भी बढ़ेगा उससे। गाइज, अगर आप पहले से ऑयलिंग किया हुआ है आपने बाल में, लाइक आपने स्काल्प पे ऑयल यूज किया है, तो आप प्लीज वो टाइम पे आप इसे ट्राई ना करें, क्योंकि इसका ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आप लाइक आप जब भी हेयर वॉश कर रहे हैं, आप ऊपर ये कांदे का रस यूज ना करें, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप हेयर वॉश के टाइम पे कोई माइल्ड शैम्पू यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने तो सनसिल्क यूज किया था, तो आप उसी तरीके से कोई चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू यूज करना है। मैंने जैसे दिखाया कि आप कांदे का रस किस तरीके से यूज कर सकते हैं हेयर पे, तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, हफ्ते में 2 बार तो ट्राई कीजिए आप, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि आपको किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको कि आपको किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो अगर आज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरा वीडियो, इस तरीके का वीडियो काफी पसंद आ रहा है, तो मैं आपको इसी तरीके के और भी वीडियो आपको आपके सामने लाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। अभी इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लाइक आपको ऐसा लगेगा कि कांदे का रस बहुत बार आप यूज करते रहेंगे, लेकिन आप या फिर आपने पहले भी यूज किया होगा लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा,
उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका खाना पीना, अगर आपका खाना पीना, आप खाने में ज्यादा ऑयली खा रहे हैं, ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, पानी का आपका इंटेक कम है, तो आप कितना भी महंगा प्रोडक्ट यूज कर लो, होम रेमेडी यूज कर लो, कुछ भी काम नहीं देने वाला है। तो बेटर होगा कि आप जो भी यूज कर रहे हैं, लाइक आप अगर कांदे का रस यूज कर रहे हैं या फिर आप जो भी यूज कर रहे हैं, कोई आपकी चॉइस है वो, तो उसके साथ ही साथ आपको अपने खान पान पे भी ध्यान देना है। आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, आपको खाने में लाइक हरी सब्जी हुई या फिर ड्राई फ्रूट्स, आलमंड, ये सब चीजों को खाने में लेना चाहिए, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। स्प्राउट्स वाली चीजें खानी है आपको, देन आप डॉक्टर के पास भी जब भी जाते हैं हेयर फॉल के लिए, डॉक्टर भी आपको यही सब सजेस्ट करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको और भी ऐसे कुछ वीडियो लाने वाली होम रेमेडीज के लिए, जैसे मैंने कहा कि आपको लॉकडाउन में काफी यूजफुल होने वाला है। पिछले टाइम मैंने आपको एंटी डैंड्रफ के बारे में बताया था कि आप डैंड्रफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विथ होम रेमेडी। तो अगर इस चैनल पे अभी कोई नए हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर किया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज का वीडियो शायद से ज्यादा लंबा हो गया है, बट ठीक है, अब लास्ट तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो फायदा होने ही वाला है ये अप्लाई करने से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद नए होम रेमेडी के साथ। ठीक है, ओके बाय।